ये देखो भैया भैया सिर्फ ट्यूसडे के दिन इतना चलते हैं, बाकी और दिन नहीं चलते। शिव जी के गए थे हम जल चढ़ाने के लिए, बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी हाँ जी, और गौरव जी हैं तो ये हमारे ब्लॉग बनाते रहेंगे जरूर, और संगत ब्लॉगों को देखती रहेगी। तो जी आज मैं बता रहा था सुबह से कि आज मुंबई से आने वाली बहुत सारी संगतें जिनको लेकर के आए हैं वीर, है ना सर? यस सर, बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं पवित्र धाम से संगतों को जोड़ने की। सेवा जो थोड़ी रौनक लग रही है भाई, जब संगत आती है तो अच्छा भी लगता है। चेहरे पे इनके चेहरे पे हार, इनके चेहरे पे हार दिख रही है, ये देखो। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका। घांगरा गोविंद धाम से सुबह का कुछ ऐसा माहौल है। कल रात में हल्के फुल्के बरसात हुई और अच्छा हुआ लाइट नहीं गई और नेटवर्क नहीं गया। देखिए मौसम अब धीरे धीरे सुबह सुबह खुल रहा है और जितने भी टूरिस्ट है, जितने भी संगत थे, श्री हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर दोनों जगह के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ कुछ संगत जो है नीचे गोविंद घाट के लिए भी रवाना हो रही हैं एक एक करके। बाकी यहाँ से सूर्य देवता जी पधार रहे हैं और ठीक है, अच्छा है। आज थोड़ी ठंड हो गई थी इसलिए टोपी और जैकेट भी पहन लिया। मौसम आज अच्छा है तो संगत जी अब रवाना हो रही है यहाँ से गोविंद घाट के लिए। भाई यार यहाँ पे अच्छे से धूप सेकते हैं और धूप सेकने का पहाड़ों में अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे ठंड से भी स्किन ख़राब हो जाती है, डायरेक्ट धूप पड़ती है पहाड़ों में अल्ट्रा वायलेट रेज, तो उससे भी स्किन ख़राब हो जाती है। लेकिन हड्डियों के लिए यार धूप ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन डी सी पता नहीं क्या क्या मिलता होगा, तो वही है, वो चीज़ें हड्डियों के लिए ज़रूरी है, मजबूती के लिए। तो इसलिए धूप जितना ज़्यादा सेक सको पहाड़ों में ठंडियों में वो ज़्यादा। तो भाई घोड़ों खच्चरों के लिए गवर्नमेंट ने ना जगह जगह पे पुलना गांव से यहाँ तक बहुत सारे प्याऊ बनाए हुए हैं, किसी में गर्म पानी भी आते हैं, किसी में ठंडाई पानी रहता है, तो घोड़े जानवरों की फुल व्यवस्था है यहाँ पे, है ना। गरम पानी पीना होगा गरम पी लेते हैं, ठंडा पीना होगा पीना, और पीने के लिए जगह जगह बनाए हैं। आप पूरे रास्ते भर देखोगे पुलना गांव से यहाँ तक सेम वॉशरूम भी बनाया हुआ है, तो कहीं आपको इस यात्रा में तकलीफ़ नहीं होने वाली है ज़्यादा। बाकी यार थोड़ी बहुत अगर रश ज़्यादा होता है तो थोड़ी बहुत हो सकती है, इतना तो देखो यात्रा में चलता ही रहता है, सब ने यात्रा करनी है, सबको समय एक टाइम पर मिलता है समर्स में जब छुट्टियाँ रहती है। ये देखिए बाकी कितना प्यारा मौसम हो रखा है, अभी ग्लेशियर जो बांक दिख रहा है स्नो बेड। तो भाई जैसे मंथ एक मंथ डेढ़ मंथ हो गया ना, तो अब क्या करते हैं इको डेवलपमेंट कमेटी जितना भी कूड़ा करकट हुआ है पूरे यात्रा मार्ग का यहाँ से श्री हेमकुंड साहिब तक और भिंडार से घांगरिया तक का भी घांगरिया ही आता है और उससे पहले का पुलना ऑटोमेटिक वो भेज देते हैं। तो यहाँ पे जो कूड़ा करकट है बैक साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे रखा हुआ है पैक करके, इसको क्रशिंग मशीन में क्रश करेंगे, उसके बाद ये नीचे शिफ्ट होते रहेंगे कुछ दिनों बाद। और यहाँ पे देखिए वेब लगाया हुआ है, एक फेंसिंग लगाई हुई है यहाँ पे कर्टन की, ये इसलिए ताकि भालू जाए भी अंदर कूड़ा निकाले भी तो वो ज़्यादा फैलाए नहीं, इसी के अंदर रहें तो सारा कूड़ा साफ होने वाला है जो कि यात्रा मार्ग में रहता है ये हर एक। तो भाई आज है मंगलवार का शुभ दिन, तो आज हनुमान मंदिर पे आज जाते हैं और आपको भी ले जाते हैं, कहाँ पे वो चीज़ ज़रूर दिखाएंगे। हिसाब से बारिश लग रही थी, लग नहीं रहा था आज मौसम क्लियर होगा। तो भाई देखिए दरबार साहब में भी अभी शायद कीर्तन चल रहा है अंदर, तो कुछ ऐसा है, अभी खाली खाली होगा दरबार साहब क्योंकि सारी संगत कोई श्री हेमकुंड साहिब कोई गोविंद घाट के लिए निकल गए हूँ। तो भाई गांव वाले सारे एक एक करके जा रहे हैं हनुमान मंदिर, और वैसे भी क्या बोलते हैं उसको सावन का महीना स्टार्ट हो गया, भोलेनाथ जी का दिन,
तो अवतार है हनुमान जी, तो इसलिए दर्शन करने जा रहा है। शैलेश भी अभी मेरे साथ है, सब चले गए एक एक करके, मैं ही रह गया था, अभी समय मिला तो अभी जा रहे हैं। ये भी देखो भजन सुन रहे हैं आज। ये देखो भैया भैया सिर्फ ट्यूसडे के दिन इतना चलते हैं, बाकी और दिन नहीं चलते। शिव जी के गए थे हम जल चढ़ाने के लिए, सावन में जाएंगे अब। अच्छा अच्छा, देखो टीका बढ़िया लग रहा, हम भी वहीं जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो जी हम भी चलते हैं, खूबसूरत मौसम हो रखा है यहाँ पे है। तो भाई घांगरे से आधा किलोमीटर ऊपर जो डाइवर्जन आता है एक वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए इधर, और एक श्री हेमकुंड साहिब के लिए। तो वैली ऑफ फ्लावर्स का जो बोर्ड लगा है वहीं से ऊपर जाओगे आप, यहाँ पे हनुमान मंदिर दिखेगा, तो आप ज़रूर जाएं। देखो झंडा भी है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो वहाँ पर जाते हैं थोड़ा दर्शन करने के लिए भाग्य। तो भाई आज लक्ष्मण गंगा भी बड़े उफान में लग रही है, देखे किस तरीके से उससे जो भाप हो रहा है कैसे उड़ रहा है, देखिए भाई पूरा ऐसे लग रहा है। तो चलो यहाँ से रास्ता आपको दिख जाएगा, यहाँ से सीधा चलते हैं बजरंगबली के पास, उनका आशीर्वाद लेकर के चलते हैं। देखो बहुत सारे लोग आए हैं, घोड़े खच्चर वाले, दुकान वाले, होटल वाले, हर कोई आता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु यहाँ पे विराजमान होते हैं हनुमान। तो जी दर्शन हो चुके हैं और भोलेनाथ जी के भी एक बार दर्शन कर ही लेते हैं। हो बोले तो ये दर्शन हो गए अच्छे से, अब चलते हैं नीचे वापस काम पे, काम भी ज़रूरी है। और यहाँ पे घोड़े खच्चरों के लिए चेक पोस्ट रहते हैं, यहाँ पे अपने पुलिस कर्मचारी रहते हैं, यहाँ पे सर बैठे हुए हैं। तो सर जी लोग कभी ऊपर भी जाते रहते हैं ना, ड्यूटी लगती जब ज़रूरत पड़ती रहती है, तो पूरी हेल्प मिलती है, पुलिस फोर्स हो, लोकल हो, घोड़े कचर, हर कोई हेल्प करने के लिए रेडी है। बस आपको टाइमिंग का ध्यान रहना है कि यहाँ से कितने बजे नहीं जा सकते ऊपर। यहाँ पे 11 बजे के बाद घोड़ा नहीं भेजते हम, और 9 बजे पैदल बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई घोड़े में जाओगे तभी आप 11 बजे से पहले पहले हेमकुंड साहिब के लिए जा सकते हो, और पैदल सिर्फ 9:30-9:30 बजे तक ही जा सकते हो, ताकि आपको लेट ना हो, दर्शन भी अच्छे हो, क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 बजे से पहले भी चलना होता है। सेम टू सेम वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए 5 बजे तक का टाइम है, आपको चेक पोस्ट में वापस पहुँचना होता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है ध्यान रखें। बाकी यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है घांगरिया गोविंद धाम, खूबसूरत पहाड़ियों के बीचों बीच नज़ारा, और पहाड़ियाँ देखें कितनी खड़ी खड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। और शैलेश भाई 1.5 महीने बाद ये पुल के पार आ रहे हैं, तो गोविंद धाम में ही घांगरे में ही था, तो वही है टाइम नहीं लग पा रहा था, तो आज आया चलो दर्शन करने, सावन का महीना भी स्टार्ट हो गया। तो भाई ये कुछ माहौल सुबह का, घोड़े खच्चर वाले बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, दुकानें हैं, पानी आता है, हर एक चीज़। देखो अपने छोटे भाई लोग भी आ गए छुट्टी से, श्रीनगर से ना, देहरादून से। अच्छा अच्छा, तो भाई देखो अभी आजकल लो सीजन में सब थोड़ा बहुत खाली रहते हैं, इसलिए थोड़ा नींद ज़्यादा आती है हमें भी, तो दिन Thank you.
तो ये नास्तिक लोग मंदिर नहीं गए थे और खाली यहाँ पे टीका लगाया तूने मेडिकल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे। और ये सबसे महंगा आदमी, इसका नाम क्या है फिर से फेंक ना इसके मुंह पे। गाइस मैं अभी सुबह सुबह मंदिर जाके आ चुका हूँ। ये एडिटिंग अच्छी कर रखी है, कैसे डेट देख लीजिए, लाइव फोटो है, लाइव भी देख लीजिए, ये देख लीजिए ये इतनी खतरनाक एडिटिंग। ओए तो भाई डीसी ऑफिस के सामने स्टार्टिंग में एक बोर्ड लग गया है घांगरिया का, ये देखो पूरा नाम यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी घांगरिया की, ये बोर्ड आपको। दोस्तों आज खाने के लिए कुछ बनाया नहीं था तो कुरकुरे और साथ में हम ये सॉस खा रहे हैं, सॉस में मिला करके कुछ ऐसे करके। संतोष ने कुछ बनाया नहीं, शाम का समय ही हो गया, धूप भी जाने वाली है। और आज कह रहे थे कि बहुत सारी संगत जो है मुंबई से आने वाली है, 300 संगत। तो देखो कुछ कुछ जा रहे हैं वापसी गोविंद घाट के लिए बाबा जी के दर्शन करने के बाद, घोड़ी खच्चर भी इंतजार करने पे लगे हुए हैं और सब आ रहे हैं। तो देखो अब ना संतोष भाई यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट तो आ रखी है तो जलाओ फिर। तो भाई ये दिन में कम से कम 50-100-150 चाय बना देता है तो 100-150। तो भाई देखे इतने सारे जो सामान है जो संगत जी आई होंगी उनका जो बैग है, कई संगत ऐसे होती है जो सिर्फ बैग को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, पहुंचाते हैं पुलना गांव से ऊपर गोविंद धाम तक और खुद जो है पैदल ट्रैक करते हैं, तो जो कि अच्छी बात है। तो बैग का अभी जो घोड़े का मालिक है अभी कहीं पर जा रखा है वो आगे दुकान पर, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं थोड़ा पकड़ लेता हूँ, थाम लेता हूँ, नहीं तो ये भागेगा और बैग गिरा देगा। तो भाई आजकल हमारे चेयरमैन जी ने देखो कितनी सारी चीज़ें करी, एक तो ये बैनर लाए और एक स्पीकर लाए और एक इन्वर्टर लाए और साथ में बच्चों खेलने के लिए जो कर्मचारी को खेलने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉई को बैडमिंटन भी लाया ताकि ये बोरियत फील ना करे भाई। ये देखो अभी हम अपने चेयरमैन के साथ खेल रहे हैं बैडमिंटन और चेयरमैन इतने फुर्तीले क्या बताऊं, उनके सामने ब्रूस ली भी खेल रहे हैं। तो भाई दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन खेलते खेलते अपने बहुत सारे YouTube फैमिली आए हुए हैं स्टार्टिंग पॉइंट में। बाकी वीर जी कल मिले और इन्होंने बहुत सारी मेमोरीज हमारी शेयर करी, दादाजी की 2005-04 की फोटोज है इन्हीं के साथ। बहुत बढ़िया यात्रा रही, मौसम बहुत अच्छा था आज और मतलब मजा आया यात्रा करके आज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी बैडमिंटन भी खेल रहे थे और भाई बैडमिंटन खेल रहे बहुत खतरनाक, तो इसलिए मैं साइड हो गया पहले क्योंकि स्टेट लेवल बता रहे थे कि खेला हुआ है उन्होंने, तो चलो बहुत अच्छा खेला अभी। बाकी ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आप दादाजी की फोटो शेयर करना, आज ही करना मैं ताकि डाल सकूं कि तो दादाजी की पुरानी फोटो जब गांव में रहा करते थे तो काफी यहाँ की स्टोरी सुनाया करते थे, कैसे स्ट्रगल डेज थे स्टार्टिंग, पहली बार जो है गुरु ग्रंथ साहब जी को ऊपर लेके गए, हाँ जी कैसे प्रकाश हुआ, मतलब बहुत अच्छी मेमोरीज उन्होंने सुनाई। हाँ जी, बल्कि गुरबानी की तुके भी सुनाते थे वो। हाँ जी हाँ जी, उनको लगभग खैर ओल्ड एज तक थोड़ी सी मेमोरी कम हो जाती है पर पूरा एक लाइफ टाइम में था, तो बहुत अच्छा लगा और अपने फोटो दिखाई वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जी आज मैं बता रहा था सुबह से कि आज मुंबई से आने वाली बहुत सारी संगतें जिनको लेकर के आए हैं वीर, है ना सर? यस सर, बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं पवित्र धाम से संगतों को जोड़ने की, सेवा जो मिली है हम सेवा कर रहे हैं। आई एम ब्लेस्ड, आई हैव बीन कमिंग सिंस लास्ट 33 इयर्स। अच्छा, बहुत अच्छा टाइम भी देखा है बहुत बुरा टाइम भी देखा है यात्रा। हाँ, बस कृपा रहे, बट रुके नहीं आप, कंटिन्यूटी बनाई रखी। 2013 में भी आए हैं, 2020-21 में भी आए। अच्छा अच्छा, वैसे कृपा, मतलब कोविड के टाइम पे भी, कोविड के टाइम पे आए, 2013 में जब लैंडस्लाइड आया था तभी भी आए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो यार उनके साथ अपने वीर जी जो मेरे से इंस्टाग्राम पे भी बातचीत कर रहे थे, और कितनी टोटल संगत है? 225 लोग हैं बॉम्बे से और कुछ 15 लोग शिमला से। अच्छा अच्छा, तो पूरा मतलब हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाता होगा आप पूरा टाइम, 6 डेज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसे ये इंस्पिरेशन है आप 33 ईयर से जो ये सेवा दे रहे, शायद हम तब तक पैदा भी नहीं हुए थे होंगे। 1998 में आया था जब 10th स्टैंडर्ड एग्जाम खत्म हुआ था। हाँ, तब से कुछ एक इंसिडेंट हुआ था ऊपर। हाँ, तब से एवरी ईयर बस शुक्राने के लिए आते। तो कितना चेंज आप देख रहे हैं, मतलब 33 सालों में बहुत कुछ, पहले आप देखते थे यहाँ कुछ नहीं था, होटल नहीं थे, पहले का टाइम और अभी के टाइम में तो जमीन आसमान का फर्क है, लास्ट आगे 10 साल में और फर्क आ जाए।
मतलब थोड़ी फैसिलिटी बढ़ गई है जो हर किसी के लिए इजी हो गया। होटल्स की थोड़ी अच्छे होटल्स भी है पर गोविंद घाट पे थोड़े से होटल्स की थोड़ी कमी है। हाँ वहाँ पे ना स्पेस थोड़ा कम। 2013 के बाद दो गुरुद्वारा साहब के रूम्स के बहुत अच्छे हैं। बाकी के रूम जो अपने किशोर भाई के रूम से पहले होटल्स थे, पहले मेहता जी के रूम से, सब होटल जाने से बहुत फर्क पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी संगत जी आज तो दरबार साहब में, और वीर जी मेरे को जरूर आप वीडियोस भेजिएगा जो आप कीर्तन करेंगे वहाँ पे दरबार साहब के अंदर, तो बहुत इच्छा है। देखो अभी मैं लगा ही हुआ था, देखिए जरूर सर मैं अभी देवलोक होटल है। हाँ जी हाँ जी, नहीं वो तो मुझे पता, देवलोक होटल, होटल कुबेर और एक और। हाँ जी हाँ जी, बाकी बस मैं यही चाहता हूँ कि अभी तो जो भी होगा अभी जाऊँगा, ऐसे काम ही कर रहा था मैं अभी। तो सर मैं आपसे, आप दर्शन करके ये देखिए, जो सबसे पहले ज़रूरी है बाबा जी के दर्शन करना। देखो कोई इंसान मिले ना मिले, कुछ और चीज़ें हो ना हो, पर बाबा जी के दर्शन है इनको, जो अपने साथ 200 प्लस संगत हैं उनके दर्शन कराने आपके लिए एक जिम्मेदारी वाला काम भी है और अच्छा काम भी कर रहे हो। तो उन संगतों से भी हम कल रूबरू करेंगे, मिलेंगे, बाकी वहाँ पे जाएंगे, कीर्तन करेंगे श्री हेमकुंड साहिब में और यहाँ गोविंद धाम में। तो बहुत अच्छा लगा सर, ऐसी सेवा आप निभाते रहे उम्र भर, और वाहेगुरु जी आपको लंबी उम्र बख्शे और ऐसे ही देते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाकी यार कुछ वीर जी हमारे जो अभी ना फर्स्ट टाइम आए हैं, सिर्फ आप आए फर्स्ट टाइम? अभी तो आप बोल रहे थे फर्स्ट टाइम कौन? अच्छा जो फर्स्ट टाइम वाले हैं वो श्री हेमकुंड साहिब दर्शन करने के बाद बिल्कुल अभी रेस्ट पॉइंट पे हो गए। कैसे रही आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया, बढ़िया रही। वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलती है? बहुत ज्यादा मिली। अच्छा अच्छा, रास्ते का आइडिया मिल जाता है, वेदर का मिल जाता है, जो चीज हम मिस कर देते थे ना पिछले सालों में। हाँ। अब सब कुछ हमने कवर किया है। हाँ जी, यहाँ पे आपने जो बताया था। हाँ, कई चीजें कवर की है, देखा, कई चीजें रास्ते में भी आप देखते हुए आए होंगे, ऊपर भी देखा होगा। तो चलो हेल्प बहुत हो जाता है। बाकी देखो जो पहले आए हैं वो थके नहीं है, उनको आइडिया हो गया रास्ता है ऐसा, इतना हाँ। चलना है। जो फर्स्ट टाइम वाले हैं वीर जी कल मिले थे वो थके हुए हैं। हाँ जी, तो भाई कुछ ऐसा ही होता है, पहली बार आपको मेमोरी करने में, याद करने में रास्ता टाइम लगता है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको जरूर हेल्प मिलती है। थैंक यू सर, आप बिलीव करते हो ब्लॉग्स पे और ऐसे ही सेवा परमात्मा देते रहे, वाहेगुरु जी देते रहे, भगवान देते रहे, और आप और संगतों को जोड़ते रहे इसी स्थान। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पे है अतीक्ष, अभी आया हुआ है ADC ऑफिस विजिट करने, रोज आता है और अपने नाखूनों से अपना मुंह छिल रखा है, नाक छिल रखा है। और यहाँ पे अतीक्ष और यहाँ पे भाभी जी, अतीक्ष की मम्मी बैडमिंटन खेल रही है। वाह, ये देखो बच्चा मतलब कितना समझदार है, अपने मम्मी पापा को बैडमिंटन खेलने देता है ना। तो जी देखो एक वीर जी फिर मिल गए, और पहले तो पहचाने नहीं, फिर पहचान लिया एकदम से। कहाँ से पहचाना? ये पंजाबी ट्रेवलर के पास इन्होंने कैश 10,000 रुपए दिए थे। हेमकुंड साहब में ये बहुत अच्छे ब्लॉगर है, आपका नाम? गौरव चौहान। गौरव, इनकी रील्स आती रहती है। हम हेमकुंड साहब आए हैं, पहले आए थे 5 साल रेगुलर किए, फिर बीच में गैप हो गया, अभी हम फिर बॉम्बे बोरीवली से संगत को लेके आए हैं। अच्छा अच्छा, 35 लोग आए हैं हम टोटल, रिपल वीर जी के साथ में, उनके साथ में 200 संगत आई है। अच्छा, हमारा जत्था बहुत अच्छी रीत से अब तक दर्शन करते हुए आया है। हाँ। आगे भी ऊपर वाला करेगा, गुरु महाराज करेंगे। हाँ। कि हमको दर्शन बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी हाँ जी, और गौरव जी है तो ये हमारे ब्लॉग बनाते रहेंगे। जरूर, और संगत ब्लॉगों को देखती रहेगी। बाकी ये बताइए सर, कोई रास्ते में कोई परेशानी, कोई रोड ब्लॉक? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिनको हेलीकॉप्टर से आना है, हेलीकॉप्टर की सुविधा बढ़िया है। जिनको वॉकिंग आना है, वॉकिंग में सुविधा बढ़िया है। जिनको घोड़े से आना है, पिट्ठू करनी है, पालकी करनी है, सब फैसिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगत हुमा के आवे और आके गुरु महाराज के दर्शन करें। और अभी कुछ ऐसा मौसम है कि आप शर्ट में भी घूम सकते हो कुछ देर तक, और जैकेट में भी। बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम है, नो रेन, बहुत प्यारा क्लाइमेट है। इसको बोल सकते हैं कि मिठी ठंड है। हाँ जी हाँ जी, सही बात। इसको ये बोल सकते हैं कि मिठी ठंड है। हाँ। आप आओ, ये क्लाइमेट का भी मजा लो और गुरु के दर्शन, गुरु महाराज जी के भी दर्शन करो। आप पहली बार है? नहीं, मेरा तीसरी बार। तीसरी बार आपका? पांचवी बार? मेरा छठी बार। छठी बार हो गई, सिक्स टाइम। तो आप मुंबई के संगत जी जो आए हैं, हाँ जी, 200 प्लस
बुरेली की संगत कुछ 35-40 है, बाकी ऑल ओवर मुंबई से है। हाँ जी, रिपल वीर जी तो रेगुलर आते हैं, उनके साथ हम आए। हाँ, वो लगभग 33 सालों से आ रहे हैं। यस, और उनकी बहुत बड़ी सेवा है। यस, वो जोड़ रहे हैं आपको भी, औरों को मोटिवेट करना है। यस, कई संगत डर जाती है न्यूज देख करके। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, अफवाहें हैं। न्यूज में आप क्या है ना कि एक चीज करोगे, उन्होंने 100 चीजें दिखानी है, कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया है। आप आइए, दर्शन कीजिए, साथ संगत बहुत अच्छा, मौसम है और बहुत खुले दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो चलो ये अच्छी पॉजिटिविटी बात की। बाकी कल आप संगत लोग सारे दर्शन करके आएंगे बाबा जी के, गुरु महाराज जी के साथ साथ कीर्तन वगैरह करेंगे। एक वीर जी मिले थे तो यहीं पे बैठे हुए तो वो बता रहे थे, तो कल मिलेंगे। कल बाबा जी के दर्शन करने के लिए आप इतनी दूर से आए हैं, सात समंदर पार से। हमारी लैंग्वेज में अगर रोड है तो तब भी एक टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचने में। तो अच्छे हो जाए आपके दर्शन और आपकी जो यात्रा है। बहुत वाहेगुरु जी की फतेह, और गौरव जी का फिर से एक बार बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो भाई ये देखो, आज इनका कोई काम नहीं है ADC वालों का, तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर चुके हैं। और यहाँ पे सभी, तो भाई अभी तक भी संगतें आ रही है वैली के लिए मोस्टली। बाकी संगत जी मुंबई से आई थी, लगभग 200-250 प्लस संगतें आज आई हुई है। तो आज थोड़ी रौनक लग रही है भाई, जब संगत आती है तो अच्छा भी लगता है, टूरिस्ट आते तो अच्छा भी लगता है, नहीं तो उदासीन से हमारे चेहरे हो जाते हैं। हमारा दिल करता है या तो घर भाग जाएं, घर में रहें मम्मी पापा के साथ, तो कुछ ऐसा। और यहाँ से वो कॉन्ग्रेचुलेशन सना फॉर द न्यू मोबाइल, बहुत अच्छा। ये देखो शरमा रही है। तो भाई आज 7:30 होने वाले हैं, और कुछ ऐसा अभी माहौल है, संगत जी आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, और यहाँ पे चल रहा है बैडमिंटन का गेम, जिसमें सभी लोग मजे ले रहे हैं यहाँ पे बैडमिंटन खेलने का। यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि हम रोज हारते हैं टीम वाइज खेलते हैं, तो दूसरे अपने पार्टनर के वजह से। ये तो ना लूडो में जीत रहे, ना कैरम में जीत रहे, ना बैडमिंटन में जीत रहे। हे भगवान, इनके झोली में जरा जीत भर दो किसी भी गेम में। तुम भट्टी खेलो, भट्टी उसमें भी जीत जाऊंगा मैं। बाकी यार मौसम कुछ ऐसा है, थोड़ा नाराज चल रहे हैं बच्चे, क्योंकि हार ही रहे हैं बेचारे, हार के इनके चेहरे पे हार दिख रही है। ये देखो वीडियो में आपको कोलैब करके डालूंगी, कोई बात नहीं यार। बाकी हार के मुहाने से, और ये तो 49 बार हार चुका है, अर्ध शतक मारने वाला हारने का, लेकिन अभी भी खेल रहा है। तो जी अभी रात हो चुकी है, 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक संगत जी थोड़े बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए कुछ वहाँ पे बैठे हुए हैं, और इतनी प्यारी रात हो रखी ना, खैर इसमें दिख नहीं रहा जो आंखों से दिख रहा है, चांद भी दिख रहा है। ये देखिए पेड़ों के पीछे से सुंदर सा चांद दिख रहा है। तो आज मौसम बिल्कुल प्यारा और सुंदर हो रखा है, उधर भी लाइट वगैरह सब जल रही है। वहीं समाप्ति करते हैं इसी खूबसूरत वादियों गोविंद धाम की तरफ से, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।